right, all right, all right. Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में बात करेंगे एप्पल साइडर विनेगर के बारे में. एप्पल साइडर विनेगर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और आजकल इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है. तो आज के वीडियो में बात करेंगे एप्पल साइडर विनेगर होता क्या है, इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे. और कौन सा एप्पल साइडर विनेगर मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एप्पल साइडर विनेगर एप्पल्स को फर्मेंटेड करके उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है. मेन कंपोनेंट एसिटिक एसिड होता है जिसके कारण इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है, कड़वा होता है, पर ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. तो जब एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट्स के बारे में पता चला तो मैंने सोचा मुझे भी इसको यूज़ करना चाहिए. तो मैंने काफ़ी सालों पहले इसको यूज़ करना शुरू किया पर इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैंने इसको 2-3 दिन यूज़ करके बस छोड़ दिया. फिर अभी कुछ दिन पहले मुझे एक एप्पल साइडर विनेगर के बारे में पता चला जो है कपीवा का हिमालय एप्पल साइडर विनेगर. इसका टेस्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा होता है पर बाकी के जो एप्पल साइडर विनेगर्स हैं उनके कंपेयर में थोड़ा ठीक ठाक है. इसलिए मैं इसको पिछले 6 महीने से मैं ये वाला एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रही हूँ. ये इसकी ओल्ड पैकेजिंग है और ये अभी ऐसे पैकेजिंग में आता है. इस विनेगर के बारे में बात मैं आगे करूंगी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. अभी जान लेते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये ब्लड से शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है. ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है. हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. डाइजेशन को ठीक करता है. साथ ही साथ जो भी फैट स्टोरेज हो जाता है हमारी बॉडी में उसको रिड्यूस करता है. फैट को बर्न भी करता है. स्किन के लिए बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे कि पिंपल की प्रॉब्लम उसको दूर करता है और जो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है. बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना चाहिए. इसको एंटी स्टमक मॉर्निंग क्रीम की तरह यूज़ करना चाहिए. अब वैसे तो आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं पर ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मॉर्निंग में ही होता है जब आप इसको खाली पेट लेते हैं. तो आप एक ग्लास लुकवॉर्म वाटर ले लीजिए, उसमें आप इसको एप्पल साइडर विनेगर को 10-15 ml की क्वांटिटी लेके मिक्स कर लीजिए और इसको पीजिए. करते हैं इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं. तो अप्लाई करने के लिए आप इसको एज अ टोनर या तो रोज वाटर में मिक्स कर सकते हैं 2-3 ड्रॉप, या फिर आप प्लेन वाटर में 2-3 ड्रॉप मिक्स करके एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं. पर याद रहे कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको मिक्स नहीं कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको बर्निंग सेंसेशन होने लगे. ऐसे ही अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आप वाटर में डाइल्यूट करके अपने बालों में रिंस कर सकते हैं और फिर आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर लीजिए. आप इसको शैम्पू में भी मिक्स कर सकते हैं, फेस वॉश में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. साथ ही साथ आप अपने मास्क में, पैक्स में इसकी 1-2 ड्रॉप मिक्स करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं. एप्पल साइडर विनेगर के कंटेंट्स की बात करूँ तो उसमें होता है आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, अमीनो एसिड्स और 10-15 ml जो विनेगर होता है इसमें सिर्फ 3 कैलोरीज होती है. तो अगर आप भी एप्पल साइडर विनेगर इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए. टेस्ट अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक है. बाकी सारे विनेगर से तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये लाइट है. तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए. ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है. बहुत सारे फ्लेवर्स में भी आता है. पुराना पैकेजिंग ये है और ये नया पैकेजिंग है. तो अगर आपको ये भी मिलता है तो आप ये मत सोचना कि ये फेक है, ये पुराना पैकेजिंग है, ये न्यू पैकेजिंग है. और इसमें बहुत सारे आपको फ्लेवर्स, गमीज और विद एलोवेरा, बहुत सारे फ्लेवर्स में आपको ये मिल जाता है. ये जो विनेगर है विद द मदर है, मतलब इसमें सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. आप इसी विनेगर के ये जो फॉगी टेक्सचर है इससे पता कर सकते हैं कि ये विद द मदर है. साथ ही ये जो विनेगर है ये कीटो फ्रेंडली है, वीगन है, ग्लूटेन फ्री है, लैब टेस्टेड है, प्रीमियम क्वालिटी और GMP सर्टिफाइड है. काफ़ी अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ये जो एप्पल साइडर विनेगर है ये 100% नेचुरल है. एप्पल्स को फर्मेंटेड करके बनाया गया है. अनफिल्टर्ड, अनपेस्चराइज्ड विनेगर है. तो आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिए. ये जो विनेगर है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है. ऑनलाइन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पर इसको परचेज कर सकते हैं.
बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस विनेगर के साथ। तो मुझे ये विनेगर बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं इसकी दूसरी बॉटल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इससे मेरा 5 to 6 kg वेट कम हुआ। मुझे इतना ज़्यादा करना भी नहीं था, बस मुझे 5-6 kg ही कम करना था और फिर मेरा वो वेट मेंटेन है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं इसको एवरी डे लेती हूँ। कभी कभी स्किप हो जाता है, ठीक है, अगर मॉर्निंग में स्किप हो गया तो मैं लंच के बाद इसको ले लेती हूँ। एक बात और, अगर आपको लगता है सिर्फ इसको पी लेने से वेट कम हो जाएगा, स्किन अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप वेट कम करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको जंक नहीं लेना है, आपको एक्सरसाइज भी करना है, थोड़ा योगा भी कीजिए, डाइट अच्छी रखिए, तभी आपकी हेल्प करेगा। ऐसे ही अगर आप अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं, बाल अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको आपकी स्किन केयर और हेयर केयर तो करनी ही है, ये बस आपकी हेल्प करेगा। और सच में ये बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है, आपके एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करेगा, पर एकदम से चमत्कार नहीं होगा। आपको कम से कम 3 महीने तो इसको लेना है, तब आपको इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एप्पल साइडर विनेगर को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी डाउट है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एप्पल साइडर विनेगर के साथ, ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट कर तुरंत रिप्लाई करती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।